कॉफी यस सर, रेस्टोरेंट पार्ट 19 का डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन में देखा था, और 20 में देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन हम पहले भी यूज कर चुके हैं। सर क्या है, कोई बतलाना चाहोगे? सिक्स सिक्सटी होल 2/2 सिक्स एंड 2/3, ये सब का देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा यस डिफरेंट जरूर किया गया है। वैल्यू ऑफ ए मोर देन बी, अगर बी के पास 100 होता तो ए के पास 150 हो जाते हैं। देन कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ बी, मोर और लेस यहाँ नहीं पूछ रहा, इस बात का ध्यान देना, यहाँ मोर और लेस नहीं पूछ रहा है, परसेंटेज यानी बी बाय ए इंटू 100 ये निकालना है, राइट ना। तो बी का वैल्यू कितना है आपका, तो बी का वैल्यू आप है, तो बी का वैल्यू कितना है 100 है, और ए का वैल्यू क्या है 150, इंटू क्या करते हैं 50 क्या हो गया 3, तो आंसर क्या हो गया 200/3 यानी 66 एंड 2/3%। ठीक है, ऐसे स्ट्रक्चर में हमेशा मोर और लेस करता था, तो 50 मोर 50/150 नहीं करना है, बी का वैल्यू ए का कितना परसेंट है, राइट। आगे बढ़े, 49 का आंसर क्या है? अरे एट आउट है, 100 100 100। ठीक है, इस पर रेस्ट बेस्ड हम बहुत सारे अभी कंसेप्ट भी बतलाएंगे, क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखिए ना, सम टाइम्स 100% के बदले 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 100% का मतलब ही होता है 1/100, राइट। तो यहाँ पर 1 टोटल मान के चलते हैं, टोटल को समटाइम्स हम 100 मानते हैं अक्सर, हाँ, लेकिन कभी कभी 1 मानेंगे जब रेस्ट बेस्ड क्वेश्चन हो, तो ऐसे हम चलेंगे। अब देखो ना, कोई कहता है कि लॉस्ट कर गया 12.5%, 12.5% को हम फ्रैक्शन में लेंगे तो 1/8। अगर मेरे पास टोटल, अगर टोटल मेरे पास 1 रुपया होता तो लॉस्ट 12.5% को 1/8 लिखेंगे, ये लॉस्ट कर गया तो रेस्ट मेरे पास बचा है वो कितने बच गए, 7/8। कोई दिक्कत यहाँ पर, 7/8 बच गए। अब क्या कहता है, उसका 70% ध्यान देना, अब यहाँ ध्यान देना, 70% तो खर्च हो गए, तो बचे कितने, ये खर्च हो गया 70% खर्च हो गया 7/8 कि 30% बच गए होंगे। बचा हुआ पार्ट क्यों देख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में है कि 210 रुपये, तो ये बराबर कितने हैं, 210 है, तो हम देखते हैं इसको सॉल्व कर, तो गया आपका 800, यानी कि 1 हमने जो टोटल माना था, 1 माना था, वह कितने के बराबर, समझना। ठीक है, जल्दी बनाने के लिए कैसे करते हैं, टोटल को 1 मान लिया, टोटल को हमने क्या माना, 1 माना, ठीक है, लॉस्ट 12.5% को क्या लिखेंगे 1/8, 25, तो 12.5% क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएंगे। 7/8 डायरेक्ट भी लिख सकते हो, अभी समझ रहे हैं, इसलिए 1 माने फिर 1/8 बचा कितना, 7/8, उसका 70% खर्च हो गया तो बच कितना गया, 30%, और बचत बराबर 210 में दिया, तो बस इतने बराबर 210 है, तो 200 क्या हो जाएंगे, 800, यानी कि टोटल आपका इनकम कितना था, 800। बात समझ में आ गए होंगे, जरा ध्यान दोगे। अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं रेस्ट बेस्ड क्वेश्चन को, रेस्ट बेस्ड क्वेश्चन हो तो कैसे बनाना है। बहुत सारे क्वेश्चन आगे मिलेंगे, जैसे कि मान लो, अगर मान क्वेश्चन कहता है कोई व्यक्ति अपने इनकम 20% फूड पे खर्च करता है, ये सिंपल बताना है, ये सिंपल है, ठीक है, 20% फूड पे खर्चा इंटर एडुकेशन पे खर्चा करता है, और मान परसेंट मिसलेनियस खर्चा करता है, अलग अलग खर्चा करता है, और उसका इनकम कह रहा है, इसका इनकम मान लो कहता है कितने, 40,000 रुपया है पर मंथ, तो क्या है, ठीक है, इसका सेविंग पूछता है, इसका सेविंग कितने होंगे ये बता, इनकम को हम क्या मान लेते हैं, इनकम को परसेंटेज में बात हो रही तो 100 मान लेते हैं, ठीक है, और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, इसका एक्सपेंडिचर देख रहे हैं क्या होंगे आपके, तो यहाँ देख रहे हैं कि रेस्ट यहाँ नहीं लिखा हुआ है, यहाँ डायरेक्ट लिखा हुआ है 20%, 40 और
30, 70, 20 मिलके कितने हो गए, टोटल 90 हो गए। तो इनकम माइनस एक्सपेंडिचर कर देंगे तो क्या निकलेगा आपका, सेविंग आ जाएंगे। तो सेविंग कितने हो गए, 10 हो गए। अब यहाँ पर इनकम होता तो सेविंग 10 होते हैं। 100 बराबर कितना कह रहा है, तो क्वेश्चन में 100 के बराबर कितना कह रहा है, 40,000। तो एक 40,000 तो एक बराबर कितने हो जाएंगे, 400। तो इसका सेविंग पूछता है तो आपका 4,000, इसका 4,000 रुपया बचत हो गया, क्लियर है। लेकिन अगर रेस्ट अगर इसी में आ जाता क्वेश्चन में, ठीक है, देखिए अगर रेस्ट बेस्ड क्वेश्चन आ जाता, रेस्ट बेस्ड अगर बात होती क्वेश्चन में था, ठीक है, तब मान लो कहता है कोई व्यक्ति अपने इनकम का 20% किस पर खर्च कर रहा है, 20% फूड का, बाकी जो बच जा रहे हैं, अब क्वेश्चन में लिखा हुआ रेस्ट जो बच रहे हैं उसका 30% क्या करता है, एडुकेशन पर खर्च करता है। फिर कहता है रेस्ट जो बच जाता है, रेस्ट जो बच जाता है उसका 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 मान लो कहता है उसका थोड़ी हाँ या उसका 40% मिसलेनियस खर्च करते हैं, ठीक है। और अब इसकी इनकम कहता है, मान लो कहता है इसका इनकम मान लो कहता है 20,000 रुपया पर मंथ है, बताइए इसका सेविंग क्या हो। अब यहाँ पर ये रेस्ट लग गया है, अब वैसे लेकिन हम जो बताने जा रहे हैं उस पर ध्यान देना। अगर 20% खर्च हो गया तो 20% खर्च हो गया तो रेस्ट बचे कितने, 80%, क्लियर है। फिर 30% खर्च हो गया तो रेस्ट बचे कितना, 70%। फिर 40% खर्च हो गया तो अब बचा कितना है, 60%, कितना। अब देखो ना किसका बचा है, तो इनकम दिया हुआ है क्वेश्चन में कि 20,000 इनकम अगर है तो उसका आपने 20% खर्च कर दिया तो 20% फिर बचेगा कितना, जब 20% खर्च कर दिए तो बचा कितना, 80%। 30% खर्च कर दिए तो कितना, 70%। और 70% बच गया, अगर बाकी बचा हुआ था 70%। बस तो आपको देखो इस क्वेश्चन को फटाक से 20,000 इसका 20% खर्च कर दिया और बचत पूछ रहा है, तो बचत पूछ रहा है जो खर्च कर दिया उससे क्या मतलब है, 20% खर्च कर दिया तो 80% चाहे 80 को 80 दिया तो 70% बच गया, 40% खर्च कर दिया 60% बच गया। अब जो इसको आ जाएगा तो 2 जीरो यहाँ पर कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, फिर 1 जीरो यहाँ से कैंसिल हो गया, 3 जीरो है तो यहाँ पर 3 जीरो कैंसिल कर दो, बस आंसर आ जाएगा जो कैलकुलेट करने के बाद होगा। तो हम देख रहे हैं 7 7 × 8 कितना हो गया, राइट ना, 56 × 2 करेंगे तो 100 क्या हो जाएगा, और 6 से और मल्टीप्लाइड करना है, 6 से मल्टीप्लाइड करके तो क्या होगा, 2, राइट ना, एंड कितने हो जाएंगे, तो 6,720 आपका क्या हो गया, सेविंग हो गया, यही आपका आंसर हो गया। बात तो समझ में आ गए होंगे, इतने आसान तरीके से हम इसको काम करेंगे, रेस्ट बेस्ड है, राइट। एक क्वेश्चन आपके लिए हम देते हैं, अगर क्वेश्चन कह रहा है कोई व्यक्ति अपने इनकम का 25% फूड पे खर्च करता है, रेस्ट बच जाते हैं, रेस्ट जो बचता है उसका 20% एडुकेशन पे खर्च, रेस्ट बच जाते हैं उसका क्या करता है, उसका 30% एंटरटेनमेंट पे खर्च करता है, फिर रेस्ट जो बच जाते हैं उसका खर्च करता है, ठीक है। तो बताएं उसका अब सेविंग, उसका सेविंग क्या होगा, ठीक है, क्या कहता है इस क्वेश्चन में, कह दिया इस व्यक्ति का इनकम है 60,000 रुपया पर मंथ, अगर 60,000 रुपया मंथली कमाता है तो बताइए उसके सेविंग क्या है, कॉपी पर बना के बतलाइए इसका आंसर क्या होगा, जिस मेथड से हमने बताया आप, सर एक बार पीछे कर दीजिए ना अभी जो बताए थे, पहले इसको बनाइए ना, अच्छा पीछे कर दो, ठीक है, ठीक ये बना, हाँ तो 20% खर्च हो गया तो 80% बचा, 30, 70, 40% तो 60% बच गया, इसी कंसेप्ट पे उसको बनाना है। ठीक है अब आगे कर दो, 5040 सर, 5040
ओके डियर स्टूडेंट, आपने इसे फटाफट ट्राई किया होगा, बनाया, कितना आंसर आ रहा है? 5000 ठीक है, आपने इनकम का 25% फिर 20% खर्च कर दिया, जो बाकी बचा था फिर इसका 30% खर्च कर दिया था सर, और जितने बचे थे उसका क्या कर दिया, 80% खर्च कर दिया, ठीक है, जितने बचे। अब ये बराबर कैलकुलेट कर लो, आंसर आ जाएंगे। तो 40 है तो 40 यहाँ से कैंसिल कर दो, 2 यहाँ कैंसिल कर दो, क्या 10 है तो यहाँ कैंसिल कर दो, 2 क्या हो गए, 5 हो गए, राइट ना, 50 × 6 क्या हो गया, 90, राइट, 720 इंटू क्या करना है, 7, क्या बस आंसर हो गया 0, 7, 29 and 50, क्या बात समझ गया ना? अगर इसी क्वेश्चन में अगर इसी क्वेश्चन में सेविंग देता और आपको निकालना होता, इनकम निकालना होता, तो क्या करता, कोई फर्क नहीं पड़ता इसी, जैसे मान लो देता, ठीक है, ये इनकम नहीं रहता, ठीक है, इनकम कहता क्या होगा निकालना, और सेविंग दिया हुआ रहता, तो इन सेविंग दिया हुआ रहता, कहता इनकम बताओ क्या होगा, तो कुछ नहीं कर पाता, ओके, का इनकम दिया हुआ था तो इनकम लिख दिया, इनकम नहीं दिया हुआ था तो हम मान लेते हैं इनकम क्या आई मान लिए, ये इनकम क्या एक्स मान लिए, आई मान लिए, कुछ भी खर्च कर दिया तो 75% क्या हो गया, बच गया, अपने इनकम का 20% बच गया, 20% खर्च 80% बच गया, 30% खर्च 70 बच गया, 80% खर्च बच गया, अब बताओ कितना दिया हुआ है, तो 5040 दिया हुआ है, सेविंग दिया हुआ है, इस बार इनकम निकालना है, राइट ना, तो ये बस करो, बस कैलकुलेट करने के बाद यहाँ पर ये वाले सारे सिंप्लीफाइड हो जाएंगे और आई इज इक्वल टू कितने निकल के आ जाएंगे, 60,000, ठीक है, बस आंसर हो जाएगा, समझ गया ना, सेविंग दिया हुआ तो जो तो इधर रख देंगे हम, इनकम वाले पार्ट अननोन है तो इनकम वाले को एक्स मान लेंगे, कुछ मान लेंगे, फटाफट ये कैलकुलेट आ करके आ जाएंगे, आ जाएगा, बात समझ में आ गई सबको, क्या ठीक है ना? यस सर। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है सर, आज इतना ही रखते हैं, और कल का होमवर्क कंटिन्यू हम लोग बता देंगे क्या करना है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पार्ट 21 देखेंगे, तब तक अपना ध्यान रखें और सुरक्षित रहें, और निश्चित रूप से जो भी क्लास छूट गया होगा या मिसिंग किसी कारणवश हो गए होंगे तो NIVM के वेबसाइट पर चले जाइएगा और यूट्यूब को देख लीजिएगा, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर पाया कर भी लेना, कैसा लगा क्लासेस के बारे में कमेंट भी करना और शेयर करना, अधिक से अधिक विद्यार्थियों को फ़ायदा हो सके, ठीक है, तो मैं अभी डिस्कनेक्ट करता हूँ आप लोग। सर क्वेश्चन पता है इंग्लिश की क्लासेस कब ऑफलाइन में होगा, ठीक है ना सर, ओके, अगर इनकम ना दिया हो तो कैसे चलेगा, इनकम अगर इनकम ना दिया हो तो ना कोई एक चीज एक्स मान लेंगे, हमने बताया ना इनकम नहीं दिया, हां सर सेविंग देगा, सेविंग देगा, दोनों में से कोई एक चीज देगा, क्या सूरज? यस सर, सब लोग समझ गए, एक अक्षय सर, ठीक है बाबू, अभी एंड करता हूँ मैं, आराम से खाना पीना खाकर सो जाइए जाकर, ठीक है, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू।